हाय गाइस, दिस इज मुचीव और वेलकम बैक टू आवर चैनल टेदर ऑफ नॉलेज। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश ग्रामर का प्रैक्टिस सेट। जे गाइस, जिसमें आपको फिल कर देना है सुटेबल प्रीपोजिशन। इसके लिए मैं आपको कोई भी ऑप्शंस नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आपको 30 सेकंड जरूर दिए जाएंगे। 30 सेकंड में आपको सुटेबल प्रीपोजिशन को फिल कर देना है। जे स्टूडेंट, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम और बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा खास हो सकती है, बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकती है, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे 25 क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो मोस्टली आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या फिर आपका 10-12 का बोर्ड एग्जाम हो। तो गाइस, इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशन, आपको यहां पे सुटेबल प्रीपोजिशन को फिल कर देना है। इसके लिए आपको कोई ऑप्शंस नहीं दिए जा रहे हैं, इसके लिए आपको 30 सेकंड जरूर दिए जा रहे हैं। आपको 30 सेकंड में अपने आंसर को गेस करना है और आपको कमेंट बॉक्स में जाकर अपने आंसर को कमेंट करके बता देना है। और वीडियो के लास्ट में आप अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि साथ में आपको इसके राइट आंसर करेक्ट आंसर बताता जाऊंगा, लेकिन आप भी अपने साथ प्रैक्टिस करते जाइएगा, क्योंकि ये आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, आई डू नॉट एग्री ब्लैंक स्पेस यू। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से आप इसका आंसर गेस कर लीजिए और राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके बता दीजिए, जो भी आपका राइट आंसर है। इसके लिए आपको 30 सेकंड दिए जा रहे हैं, जो कि आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर होगा आई डू नॉट एग्री विथ यू। जी हाँ, यहाँ पे राइट आंसर होगा विथ। आई डू नॉट एग्री विथ यू, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, तो यहाँ पर विथ का यूज किया जाएगा। राइट आंसर हमारा होगा विथ। ओके, चलिए जानते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन यूर बुक ब्लैंक पेज 13। ओके, यहाँ पे भी आपको सुटेबल प्रीपोजिशन को फिल कर देना है। इसके लिए आपको कोई भी ऑप्शंस नहीं दिया गया है, आप आंसर गेस कर सकते हैं। ओपन यूर बुक ब्लैंक पेज 13। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर होगा 8। जी हाँ, ओपन योर बुक एट पेज 30। ओपन योर बुक एट पेज 30। तो यहाँ पर पेज के बिफोर हमें यहाँ पे एट का यूज़ करना है, ओपन योर बुक एट पेज 30। तो अपनी पुस्तक को ओपन कीजिए और अपनी पुस्तक का 30 नंबर का जो पेज है उसको ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 8। चलिए जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, आई गो टू स्कूल ब्लैंक स्पेस फुट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछा गया है। आई गो टू स्कूल ब्लैंक स्पेस फुट, ऑप्शन आप गेस कर सकते हैं। जल्दी से आंसर गेस कीजिए और वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर आंसर आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए। आई गो टू स्कूल ब्लैंक स्पेस फुट। ओके, आपका टाइम ओवर होता है। मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर होगा आई गो टू स्कूल ऑन फुट। जी हाँ, ऑन फुट, यहाँ पे बाय फुट नहीं आएगा, याद रखिएगा, बाय फुट नहीं आएगा। जब हम किसी व्हीकल से कहीं ट्रैवलिंग करते हैं, कहीं जाते हैं, वहाँ पे बाय का यूज़ किया जाता है, जैसे आई गो टू स्कूल बाय वैन, बाय बाइक। लेकिन यहाँ पे पैदल आप जाएंगे तो पैदल के लिए यूज़ किया जाता है ऑन फुट। ऑन फुट मतलब होता है पैदल। आई गो टू स्कूल ऑन फुट। ओके, ये था इसका करेक्ट आंसर ऑन। चलिए जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, शी इज़ फॉन्ड ब्लैंक स्पेस म्यूजिक। शी इज़ फॉन ब्लैंक स्पेस म्यूजिक, ऑप्शन आप गेस कर सकते हैं। जल्दी से सुटेबल प्री पोजिशन आपको फिल कर देना है, तो प्री पोजिशन आपको यहाँ पे फिल करना है, कमेंट बॉक्स में जाकर आप बता सकते हैं। ओके, आपका टाइम ओवर होता है। इसका राइट आंसर मैं आपको बता दें, शी इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑफ। जी हाँ, शी इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। तो यहाँ पे आपको के साथ ऑफ का यूज़ करना होता है, शी इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑफ। ओके, चलिए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द टाइम ब्लैंक स्पेस योर वॉच। ओके, राइट आंसर आपको गेस कर लेना है, राइट आंसर आपको बता देना है, व्हाट इज द टाइम ब्लैंक योर वॉच। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर होगा बाय योर वॉच। जी हाँ, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। तो इसमें आपको बाय फिल करना है, टाइम पूछने के लिए आपको यहाँ पे बाय का यूज करना है, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। तो बाय इसका करेक्ट आंसर होगा। जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, आई पास्ड बी ए ब्लैंक स्पेस द एज ऑफ 20। ऑप्शंस आपको फिल कर लेना है, ऑप्शन आपको थिंक कर लेना है, सुटेबल जो प्रीपोजिशन है वो आपको थिंक करके राइट आंसर आपको बता देना है। आप भी साथ में प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम या बोर्ड एग्जाम की जैसी भी प्रिपरेशन चल रही है वो आप चेक कर सकते हैं, आपका लेवल क्या है। चलिए मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ, आई पास्ड बी ए एट द एज ऑफ 20। तो यहाँ पर एज बताने के लिए एट का यूज़ किया जाएगा, आई पास्ड बी ए एट द एज ऑफ 20। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 8। ओके, जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, वी शुड नॉट लॉफ ब्लैंक स्पेस अदर्स। वी शुड नॉट लॉफ ब्लैंक स्पेस अदर्स, ऑप्शन आपको गेस कर लेना है, जल्दी से आपको सुटेबल प्रीपोजिशन को इसमें फिल कर देना है। चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर होगा 8। जी हाँ, वी शुड नॉट लॉफ एट अदर्स, हमें दूसरों पर नहीं हंसना चाहिए। तो यहाँ पर 8 का यूज़ किया जाएगा, वी शुड नॉट लॉफ एट अदर्स, राइट आंसर इसका होगा 8। ओके, जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, ट्रांसलेट दिस पैसेज ब्लैंक स्पेस हिंदी।
करेक्ट, मतलब सुटेबल प्रीपोजिशन आपको फिल कर देना है। ऑप्शंस यहां पर भी कुछ भी नहीं दिए जा रहे हैं, आप थिंक कर सकते हैं इसका सुटेबल प्रीपोजिशन क्या होगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ट्रांसलेट दिस पेज इनटू हिंदी। जी हाँ, इनटू हिंदी, तो इसका राइट आंसर होगा हिंदी। ट्रांसलेट दिस पैसेज, इस पैसेज को हिंदी में ट्रांसलेट कर दीजिए। तो यहाँ पर रूप परिवर्तन के लिए हमें इनटू का यूज़ करना होता है। चलिए इसका राइट आंसर होगा इनटू। ओके, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, क्लॉथ इज सोल्ड ब्लैंक स्पेस मीटर। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्लॉथ इज सोल्ड ब्लैंक स्पेस मीटर। जल्दी से सुटेबल प्रीपोजिशन को आपको फिल कर देना है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, आपका टाइम ओवर होता है। इसका राइट आंसर होगा बाय मीटर। जी हाँ, क्लॉथ इज सोल्ड बाय मीटर, तो यहाँ पर बाय का यूज़ किया जाएगा, मीटर के बिफोर यहाँ पे बाय आएगा, क्लॉथ इज सोल्ड बाय मीटर। क्वेश्चन नंबर 10 है, तो मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। ही लिव्स ब्लैंक स्पेस जुमेराती ब्लैंक भोपाल। जल्दी से इसको आपको सुटेबल प्रीपोजिशन आपको फिल कर देना है। जल्दी से चाहिए और कमेंट बॉक्स में आप इसका राइट प्रीपोजिशन को फिल कर दीजिए, बता दीजिए। ओके, चलिए आपके 30 सेकंड पूरे होते हैं, आपका टाइम ओवर होता है। मैं आपको बता देता हूँ, ही लिव्स एट जुमेराती इन भोपाल। ही लिव्स एट जुमेराती के बिफोर एट आएगा और भोपाल के पहले इन आएगा। ये मैंने आपको बताया था जब मैंने एक सेपरेट प्रीपोजिशन के ऊपर एक वीडियो बताई थी। तो छोटी जगह के बिफोर हमें एट का यूज़ करना होता है और किसी सिटी के नेम के बिफोर इन का यूज़ किया जाता है। तो जुमेराती के बिफोर एट आएगा और भोपाल के पहले इन आएगा। ओवरऑल हमारा राइट आंसर होगा ही लिव्स एट जुमेराती इन भोपाल। ओके, चलिए जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, I have eaten nothing blank space yesterday. ओके, आपको ऑप्शन गेस कर लेना है, सुटेबल प्रीपोजिशन आपको यहाँ पे फिल कर देना है। I have eaten nothing blank space yesterday. आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। ओके, मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर होगा आई हैव ईटन नथिंग सिंस यस्टरडे। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर होगा सिंस, आई हैव ईटन नथिंग सिंस यस्टरडे, मतलब कि यहाँ पर आपको सर्टेन टाइम के बिफोर सिंस का यूज़ करना होता है। मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया है, आई हैव ईटन नथिंग सिंस यस्टरडे, तो यस्टरडे के बिफोर सिंस का यूज़ किया जाएगा। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम एंड सिट ब्लैंक स्पेस मी। ओके, आपको यहाँ पे सुटेबल प्रीपोजिशन को फिल कर देना है। देखिए ऑप्शंस यहाँ पे भी आपके सामने कुछ भी नहीं है, आप जल्दी से गेस कर लीजिए राइट आंसर और आप जाइए कमेंट बॉक्स में जाकर बता दीजिए। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, कम एंड सिट ब्लैंक स्पेस मी। ओके, आपका टाइम ओवर होता है। मैं आपको बता दूँ, इसका राइट आंसर होगा बिसाइड। जी हाँ, कम एंड सिट बिसाइड मी, आओ और मेरे बाजू में, मेरे बगल में बैठो। ओके, बिसाइड, बिसाइड मतलब होता है बाजू में या बगल में, तो इसका राइट आंसर होगा बिसाइड, कम एंड सिट बिसाइड मी। ओके, चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, शी राइट्स अ लेटर ब्लैंक स्पेस अ पेन। ओके, शी राइट्स अ लेटर ब्लैंक स्पेस अ पेन। आपको सुटेबल प्रीपोजिशन को थिंक कर लेना है और आपको जल्दी से बता देना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, आपका टाइम ओवर होता है। मैं आपको बता दूं, इसको राइट आंसर होगा शी राइट्स अ लेटर विथ अ पेन। जी हाँ, शी राइट्स अ लेटर विथ अ पेन, तो यहाँ पे आपको फिल कर देना है विथ। जब कोई काम, कोई किसी चीज़ को होल्ड करके नॉन लिविंग थिंग से किया जाता है, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं विथ का। ओके, शी राइट्स अ लेटर विथ अ पेन। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा विथ। जानते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, ही किल्ड टू बर्ड्स ब्लैंक स्पेस वन स्टोन। ओके, जल्दी से आपको इसका करेक्ट प्रीपोजिशन को आपको थिंक कर लेना है, मतलब सुटेबल प्रीपोजिशन आपको बता देना है। ही किल्ड टू बर्ड्स ब्लैंक स्पेस वन स्टोन। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर होगा ही किल्ड टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा विथ, तो यहाँ पे आएगा विथ वन स्टोन। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15 है, वी डोंट गो टू स्कूल ब्लैंक स्पेस संडे। वी डोंट गो टू स्कूल ब्लैंक स्पेस संडे। ओके, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका सुटेबल प्रीपोजिशन जो होगा ऑन संडे, ऑन, तो संडे के पहले हमें ऑन का यूज़ करना है। नेम ऑफ डेज, मतलब डेज के नेम के बिफोर हमें ऑन यूज़ करना होता है प्रीपोजिशन। तो वी डोंट गो टू स्कूल ऑन संडे, तो यहाँ पे आपको ऑन भर देना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, द रूम वॉज फुल ब्लैंक स्पेस पीपल। द रूम वॉज फुल ब्लैंक स्पेस पीपल, तो आपको बता देना है इसका सही प्रीपोजिशन क्या होगा। तो देखिए आपका टाइम ओवर होता है, आप थिंक कर सकते हैं और मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर होगा द रूम वॉज फुल ऑफ पीपल। द रूम वॉज फुल ऑफ पीपल, तो यहाँ पे आएगा ऑफ। जी हाँ, यहाँ पे आएगा ऑफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। जानते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ पे दिखाए, लेट्स गो ब्लैंक स्पेस अ वॉक। ऑप्शंस आपके सामने नहीं है, आपको थिंक करना है और आपको सुटेबल प्रीपोजिशन को यहाँ पे फिल कर देना है। तो देखिए मैं आपको बता दूँ, इसका राइट आंसर होगा लेट्स गो फॉर अ वॉक। जी हाँ, लेट्स गो फॉर अ वॉक, तो फॉर अ वॉक यहाँ पे आएगा, जैसे कि आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक इस तरह से यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आता है फॉर। लेट्स गो फॉर अ वॉक, आओ वॉक के लिए चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे आएगा फॉर। क्वेश्चन नंबर 18 है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में दिखाए, द रिवर फ्लोज ब्लैंक स्पेस द ब्रिज।
द रिवर फ्लोज ब्लैंक स्पेस ब्रिज, ओके। तो आपको यहाँ पर सही प्रीपोजिशन बता देना है क्या आएगा, ओके। चलिए आप गेस कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जाकर राइट आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर होगा द रिवर फ्लोज अंडर द ब्रिज। जी हाँ, यहाँ पे आएगा अंडर, मतलब कि ब्रिज के नीचे से जो नदी बहती है, तो इसको यहाँ पे कहा जाता है अंडर, है ना। तो द रिवर फ्लोज अंडर द ब्रिज, ओके, इसका राइट आंसर होगा अंडर। क्वेश्चन नंबर 19 है, ही इज टायर्ड ब्लैंक स्पेस लाइफ, ही इज टायर्ड ब्लैंक स्पेस लाइफ। तो जान लेते हैं इसके राइट आंसर के बारे में। देखिए आप भी गेस कर सकते हैं, मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर होगा ऑफ। जी हाँ, ऑफ, ही इज टायर्ड ऑफ लाइफ, तो यहाँ पे आएगा ऑफ, ही इज टायर्ड ऑफ लाइफ। क्वेश्चन 20 को जान लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, आई मेट हिम ब्लैंक स्पेस द वे, आई मेट हिम ब्लैंक स्पेस द वे। आपको जल्दी से थिंक कर लेना है सही सुटेबल प्रोपोजिशन और आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, आई मेट हिम ऑन द वे, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसका राइट आंसर होगा ऑन, आई मेट हिम ऑन द वे। तो यहाँ पे द वे के बिफोर यूज करना है आपको ऑन, तो यहाँ पे आएगा ऑन, आई मेट हिम ऑन द वे। क्वेश्चन 21 है, गांधी जी वॉज बॉर्न ब्लैंक सेकेंड अक्टूबर, सेकेंड अक्टूबर। आप थिंक कर सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से गेस कर लीजिए और बता दीजिए क्या है। वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, ओके। टाइम ओवर होता है, जान लेते हैं इसके राइट आंसर के बारे में। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑन, ऑन सेकेंड अक्टूबर, गांधी जी वॉज बॉर्न ऑन सेकेंड अक्टूबर, मतलब डेट के बिफोर हमें प्रीपोजिशन ऑन का यूज करना होता है। गांधी जी वॉज बॉर्न ऑन सेकेंड अक्टूबर, तो सेकेंड अक्टूबर के पहले ऑन आएगा। क्वेश्चन हमारा 22 है, बीवेयर ब्लैंक स्पेस डॉग्स, यहाँ पे भी आपको बताना है प्रीपोजिशन, बीवेयर ब्लैंक स्पेस डॉग्स। आपका टाइम चल रहा है, जल्दी से गेस कर लीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर होगा ऑफ, बीवेयर ऑफ डॉग्स, मतलब कि डॉग से सावधान। तो यहाँ पे आएगा ऑफ, बीवेयर ऑफ डॉग्स, बीवेयर मतलब होता है सावधान होना, ओके। क्वेश्चन नंबर 23 है, ही इज गुड ब्लैंक स्पेस क्रिकेट, ही इज गुड ब्लैंक क्रिकेट, ओके। आप गेस कर सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए जान लेते हैं इसके राइट आंसर के बारे में। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर होगा एट, जी हाँ, ही इज गुड एट क्रिकेट, मतलब वह क्रिकेट में अच्छा है। अगर कोई स्टडी कोई सब्जेक्ट वाली बात होती है, जैसे इंग्लिश है हिंदी है, तो वहाँ पे हमें इन का यूज़ करना है, जैसे कि यू आर गुड इन इंग्लिश, यू आर गुड इन हिंदी। लेकिन यहाँ पे क्रिकेट है, कोई प्रोफेशनल है, तो यहाँ पे यूज़ किया जाता है एट का, ही इज गुड एट क्रिकेट, जैसे ही इज गुड एट सिंगिंग, ही इज गुड एट डांसिंग। तो यहाँ पे क्रिकेट के भी फुल आएगा एट, ही इज गुड एट क्रिकेट, तो यहाँ पे आपको भर देना है एट। क्वेश्चन 24 नंबर का है, ही इज एडिक्टेड ब्लैंक स्पेस गैम्बलिंग, ओके। गैम्बलिंग मतलब होता है जुआ खेला, एडिक्टेड होता है यहाँ पे किसी चीज़ में लिप्त होना। तो आप गेस कर सकते हैं इसका राइट आंसर, जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए जान लेते हैं राइट आंसर के बारे में। इसका राइट आंसर होगा टू, ही इज एडिक्टेड टू गैम्बलिंग, तो एडिक्टेड के साथ टू का यूज़ किया जाता है, जी हाँ, ही इज एडिक्टेड टू गैम्बलिंग, मतलब कि वे जुए में लिप्त है, जुए खेलने में वे लिप्त है, मतलब उसको जुआ खेलने की लत है, ओके। किसी चीज़ में लिप्त होना, किसी चीज़ की लत होना, उसको कहा जाता है एडिक्टेड टू, ओके, ही इज एडिक्टेड टू गैम्बलिंग। क्वेश्चन 25 थे, जो कि लास्ट नंबर का है, तो ही वॉज हार्ड ब्लैंक स्पेस हेयरिंग, जल्दी से गेस कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जाइए और आप इसका सुटेबल जो प्रिपरेशन है वो बता दीजिएगा। He was hard blank space hearing, तो यहाँ पे आएगा off, he was hard of hearing, hard of hearing, hard of hearing मतलब होता है deaf, मतलब बहरा होना, जी हाँ, hard of hearing मतलब होता है बहरा, जिसको deaf बोला जाता है इंग्लिश में, तो he was hard of hearing। ओके गाइज, ये थे 25 क्वेश्चंस जो कि प्रिपोजिशन के थे। ये मैंने आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया था, जिसमें मैंने आपको बताए थे 25 प्रिपोजिशन, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम और बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल ये एक प्रैक्टिस सेट था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और हाँ, अपना स्कोर बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आप जल्दी से जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने जो आंसर दिए कितने आपके आंसर सही थे। आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि 25 क्वेश्चन में से आपने करेक्ट कितने आंसर दिए हैं। जी स्टूडेंट, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हाँ, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।